नमस्कार, श्रेष्ठ उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आपने हिंदू धर्म में भगवान राम के एक से बढ़कर एक भक्त देखे होंगे, लेकिन मुस्लिम धर्म में आपने सबसे बड़ा भक्त देखा है। अगर नहीं देखा तो हम आपको भगवान राम के सबसे बड़े भक्त से मिलवाते हैं। बड़ी बात यह है कि कोई पुरुष भक्त नहीं है, बल्कि महिला भक्त है। इनका नाम है शबनम शेख, जिन्होंने भगवान राम के लिए अपने धर्म की दीवार को तोड़ दिया है। कंधे पर केसरिया ध्वज, पीठ पर जय श्री राम लिखा बैनर, मुंबई से पैदल रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रही शबनम शेख की चर्चा इस समय सोशल मीडिया पर जोरों से हो रही है। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है शबनम शेख, मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा करके जा रही हूँ। आज का मेरा चौथा दिन है। तो दोस्तों, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना चलूंगी, और बोलते ना राम जी का जैसा मेरे सर पे हाथ हो, मैं जो जो सोच रही हूँ वो चीजें होते जा रही है। आपको बता दें, शबनम पैदल ही मुंबई से 1600 किलोमीटर दूर अयोध्या के लिए निकल पड़ी हैं, और उनका एक ही उद्देश्य है भगवान रामलला के दर्शन करना। लेकिन कुछ भी हो जाए, हम अपनी यात्रा को नहीं रोकेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हो सके हम दूर तक सफर तय करेंगे। बोलो मेरे साथ जय श्री राम। शबनम शेख बुर्का पहनती हैं, हिजाब पहनती हैं, और साड़ी लहंगा भी पहनती हैं। वो खुद को सनातनी मुसलमान बताती हैं, साथ ही कहती हैं कि वो एक राष्ट्रवादी हैं, उनके अंदर एक राष्ट्रवादी खून है, उनके लिए देशभक्ति सबसे पहले है। शबनम कहती हैं कि मुस्लिम होने के बावजूद भगवान राम की आस्था है, और इसलिए वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहती हैं, ताकि वे श्री राम की भक्ति कर सकें। इसी वजह से आज हर तरफ शबनम की बात हो रही है। तो अब आप ही बताइए कि 1600 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर शबनम रामलला के दरबार में चलकर दर्शन करने के लिए पहुंचेगी, इससे बड़ा राम भक्त आपने कहीं देखा है क्या? आज तक नहीं देखा होगा। भगवान राम की बात ही कुछ अलग है, उनकी भक्ति का हर कोई ऐसे ही दीवाना हो जाता है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।